ओके सर, तो ऑल ऑफ यू लुक सेम सर, ऑल ऑफ यू लुक हियर, ऑल ऑफ यू सेम सर, सर हियर, कैसे बना पार्ट? तो मतलब डायरेक्टर ने बुलाया यार, अलंकृता श्रीवास्तव जो है शी वांटेड मी टू डू दिस फिल्म, उन्होंने फ़ोन किया, नरेशन दिया और मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से लिखा गया बहुत एक हल्के फुल्के अंदाज में बहुत गहरी बात, और हालांकि फिल्म तो नायिका प्रधान है, पुरुषों के रोल इतने बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, पर फिल्म से जुड़ना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये मैसेज, ये संदेश कि हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है, ये बाहर आना ज़रूरी था। आई थिंक रत्ना जी, बिकॉज अभी आप लोग भी देखेंगे उनका, शायद उनके करियर का ये सबसे डिफरेंट किस्म का रोल है, तो मैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा उत्सुक हूँ देखने के लिए। यार ये कोई इस मत इसमें ना लगाएं तो ये ह्यूमनिस्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम पुरुष टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, रात को कितने बजे भी घूम सकते हैं, किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं, अपनी मर्जी की नौकरी कर सकते हैं, पचासों चीज़ें हैं जो हमारे छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों, गाँव, कस्बे तक महिलाओं को वो आज़ादी है ही नहीं। तो ये ह्यूमनिस्ट है कि महिलाओं को भी एज ह्यूमन्स तो देखिए, आप अपने बराबर तो देखिए। आई डोंट नो यार, मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक ट्रायल या प्रीव्यू पर कास्ट एंड क्रू के साथ देखना अलग बात है जिन्हें पूरी फिल्म मालूम है, लेकिन आम दर्शकों के साथ देखना वो एक अलग ही अनुभव है और सही रिजल्ट मूवी का तभी पता चलता है। मैं भी आज पहली बार देख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी फिल्म लोगों को पसंद आएगी। जी हाँ, तो जी जी अच्छा, अरे नहीं भाई, काहे की इनसिक्योरिटी है, मुझसे पहले एक से एक महान कलाकार आए, काम किया, गए, मेरे बाद एक से एक महान कलाकार आएंगे और जाएंगे, तो ये तो तांता है, जिसके पास टैलेंट है वो उस टैलेंट का जितना हक उसे मिलना चाहिए मिलता रहेगा, यहाँ इनसिक्योरिटी और जेलसी की। और वैसे भी आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत और मैं दोनों बहुत ही मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में हैं, तो कोई कंपटीशन मैं नहीं देखता हूँ इसमें। रिलीज डेट क्या होगी सुशांत, अगर आप बता सकते हैं? जी ये मुझे भी नहीं पता भाई, रिलीज डेट इसकी अभी तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, कहानी है जिसमें कि चार औरतें अपनी ज़िंदगी जी रही हैं और किस हालात में जी रही हैं और क्या एंग्स्ट है उनके, क्या उनके आज़ादी के सपने हैं, वो कैसे जीती हैं। मुझे ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी थी, स्क्रिप्ट और इसको ग्रीन सिग्नल दिया था। भाई चूँकि सारे प्रोटैगनिस्ट, मेन प्रोटैगनिस्ट फेमिनिस्ट हैं, तो आप इसको फेमिनिस्ट फिल्म कह सकते हैं, बट कहानी आम है, आम लोगों की कहानी, आम औरतों की कहानी है, वो जो अपनी जद्दोजहद के बीच भी सपने रखती हैं और ड्रीम्स देखती हैं और किस तरह से उनके अरमान जो हैं वो किस फॉर्म में निकलते हैं। जी मैंने खुद ही ये फिल्म पूरी तरह से पूरी फिल्म देखी नहीं अभी तक, कुछ कुछ हिस्से में देखी है, पूरी फिल्म आज पहली बार देखूंगा, जो मैं एब्सेंटी प्रोड्यूसर हूँ, मतलब कहानी एक बार अप्रूव कर दी तो फिर डायरेक्टर को सारा कुछ छोड़ देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि फिल्म अच्छी बनी होगी और जिस तरह लोग इस फिल्म के बारे में उत्साहित हैं अच्छा लग रहा है। रिलीज
अरे तुम तो ऐसे सवाल कर रहे हो कि मतलब क्या सोच के आई है फिल्म बनाई। मुझे अच्छी लगी कहानी, और अलंकृता हमारे साथ बहुत सालों से काम करती हैं, पहले भी उन्होंने हमारे लिए ट्रेलिंग 30 बनाई थी, अच्छी लगी और मुझे लगा कि बनाना चाहिए तो बना दिया। ये तो अभी इसकी शुरुआत हुई है, अभी फेस्टिवल्स में, अभी टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में आज दिखाई जा रही है, मामी में दिखाई जा रही है, स्टॉकहोम में दिखाई जा रही है, कैरो में दिखाई जा रही है, तो फेस्टिवल्स में आ रही है, और कैसे इसकी बस बनती है और कैसे इसके प्रति उत्साह बनता है उसकी प्रतीक्षा है। अभी तो यही आ रही है लिपस्टिक अंडर बुरखा, बाकी जो मेरी फिल्में हैं जो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ उस पर काम चल रहा है, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, दो तीन सब्जेक्ट्स हैं, कौन से किसकी लाइन पहले लगती है पता नहीं। तो बड़ी फिल्म में राजनीति का भाग दो भी है, और एक बाप बेटे की पर्सनल कहानी है, एक बाप बेटी की पर्सनल कहानी है जो राजनीति फिल्मों से अलग है, उस पर भी काम चल रहा है, देखिए कौन सी फिल्म पहले बनती है। थैंक यू। ये बहुत ही अनयूजुअल फिल्म है, इस तरह की फिल्में और इस तरह के रोल औरतों के लिए आमतौर पर लिखे नहीं जाते, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैंने खुद देखी नहीं है, देखने को बेताब हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो हमारी एक देश की नई लहर चल रही है, लोग बदल रहे हैं, उस कैप्चर करने वाली ये फिल्म है कुछ हद तक। फेमिनिस्ट फिल्म नहीं, मैं उसको इस तरह का एक धब्बा नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि ये फिल्म इस तरह लोगों के बारे में बातें करती है। हाँ, मेन पात्र औरतें हैं, लेकिन उनके आसपास की जो दुनिया है वो तो सबको पहचानने में आई थी, सो उसको सिर्फ फेमिनिस्ट फिल्म मैं नहीं कहूँगी, बट ज़रूर औरतों की बारों की कहानियाँ सुनाती हैं। अभी इनफैक्ट ये फिल्म का एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन हुआ है कि जापान में टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में भी हाल ही में अभी दिखाई गई, मतलब अभी एक दो घंटे पहले वहाँ दिखाई गई है, एंड वहाँ बहुत अच्छे रिएक्शंस मिले। अलंकृता श्रीवास्तव जो हमारी डायरेक्टर हैं और आहना कुमरा जो भी एक्ट कर रही हैं इस फिल्म में, वो दोनों गए हुए हैं जापान, और कुंकुना और मैं यहाँ हैं, एंड इस तरह का डबल प्रीमियर दो फिल्म फेस्टिवल्स में एक ही दिन पे, ये तो पहले मैंने कभी नहीं सुना। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, नहीं आप आखिर फिल्म देखिए, वहाँ मज़ा आएगा, मगर बहुत अलग है ये मैं ज़रूर कहूँगी। ये पहली बार दिखाई जा रही है हमारे देश में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ कि ऑडियंस का कैसा रिएक्शन होगा, और बहुत जल्द ही इस फिल्म को रिलीज मिलेगी ये उम्मीद करती हूँ। शुक्रिया, I am so excited because I have not yet seen Lipstick Under My Burkha myself. Of course, I've read the script and I'm really excited to see how the whole thing has turned out, how the whole thing has shaped up. Really waiting because I know that they've, you know, Alankita's really, she's spoken to me about it, she's been really excited about the process, and then it started going to film festivals. We just had our premiere in Tokyo Film Festival as well, so I'm really excited to watch it. Sorry? किसके बारे में? I don't understand. नहीं, that's my own film. That's a film I directed. आपके कुछ किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या करने वाले, क्योंकि आपके किरदार एक हमेशा एक छाप छोड़ जाती है, किरदार के बारे में। There's really not that much I want to say without giving anything away. It's about four, this film is about four women in Bhopal.
just the lives of four women who live in the small town and how their lives intersect, what their secret desires are, what their secret lives are, what their identities are. This is what the film deals with. मुझे ना ये सब कैटेगरीज के बारे में नहीं पता. ये फैमिली फिल्म है या अच्छा यू मीन लाइक बच्चों देख सकते हैं कि नहीं? पता नहीं, शायद नहीं. मुझे देखना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो. अब नो व्हाट दे हैव केप्ट इन द एडिट एंड व्हाट दे हैवंट केप्ट, आई डोंट नो. रिलीज डेट आई हैव का क्या हिंदुस्तान में कब तक रिलीज होने वाली है? लिपस्टिक अंडर माय बुर्का. Right now we don't know exactly ki kab release hogi. It's doing the film festival circuit, so I hope that people all over the world will get to watch the film and then it'll release here as well. Thank you so much. ye bahut khushi hai ki itne prestigious festival mein uska all india premiere ho raha hai aur film mai kahunga ki bahut alag film hai, bahut dil se banayi hui film hai. और फॉर मी इट वॉज एन लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज इतने बड़े किरदारों के साथ काम करने का मौका मिला है. रत्ना मैम है, कोंकणा जी है, सुशांत सर है. बहुत मज़ा आया और अभी मैं यही ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि लोगों को भी मेरा काम पसंद आए, फिल्म पसंद आए और लोग सराहे फिल्म को. और अब ये नहीं, मैं बहुत खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि मराठी रहे या हिंदी रहे, हमेशा आई हैव गॉट द चांस टू वर्क विद द स्टॉलवर्ट्स, मतलब हंटर रहे या फिर संजय लीला भंसाली सर की बाजीराव मस्तानी रहे या अभी प्रकाश झा सर की लिपस्टिक अंडर माय बुर्का. सो या गॉड इज ग्रेट. क्या हम इसे फेमिनिस्ट फिल्म कह सकते हैं? फेमिनिस्ट है या नहीं, मैं आई गेस ट्रेलर देखने के बाद बहुत लोगों का एक प्री कंसीव नोशन हो गया. आई थिंक हर एक का एक अलग पर्सपेक्टिव रहेगा जब वो फिल्म देखेगा. तो रादर देन द एक्टर सेइंग समथिंग कि ये फेमिनिस्ट अप्रोच है या फेमिनिस्ट अप्रोच नहीं है, आई गेस लेट द ऑडियंस डिसाइड. संजय लीला भंसाली जी और एक फिल्म बना रहे हैं पद्मावत. पद्मावत, तो उसका पार्ट होना चाहेंगे आप उस फिल्म का? जी, उन्होंने कभी मौका, मतलब उन्हें अगर लगा कि मैं किसी किरदार के काबिल हूँ तो विल डेफिनेटली कॉल मी एंड लेट्स सी. अब तक तो नहीं बुलाया, तो अगर बुलाया तो जरूर जाऊँगा. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मामी फिल्म फेस्टिवल में यहाँ पर ढेर सारी फिल्में दिखाई जाती हैं, आप भी कौन सी फिल्म देखने के लिए आए थे बताना चाहेंगे? मैं आया हूँ वो लिपस्टिक अंडर माय बुर्का वो देखने के लिए आया हूँ. झा साहब की फिल्म है एंड रत्ना जी है उसके अंदर एंड अलंकृता. सो या आई नो देम एंड उनकी सेंसिबिलिटी अच्छी है तो मज़ा आएगा. हाँ, मेरे ख्याल से सभी अच्छे हैं यार. तो मैंने देखा उनको जब मैं आई थिंक भोपाल में शूट कर रहा था, तो पूरी टीम थी वहाँ पे, तो बड़े टैलेंटेड हैं सबके सब. हाँ जी, बढ़िया लगा यार. अलग से एक कुछ बात है उसके अंदर. फेमिनिस्ट आई डोंट नो यार, मैं मुझे किसी फिल्म पे टैग लगाना पसंद नहीं आता. मेरे लिए एक फिल्म फिल्म होती है, उसके अंदर चाहे सारी औरतें हों, सारे मर्द हों या कुछ भी हो, फिल्म अच्छी होनी चाहिए. नहीं यार, छोड़ना यार, छोड़ना यार. वो गौरव को पता होगा यार, अभी इसकी बात करते हैं. ये फाइनली आज ये फिल्म मैं खुद पहली बार देखने वाला हूँ और इट्स अ ग्रेट एसोसिएशन. जैसे कि आप जानते हैं कि प्रकाश झा जी हैं और कोंकणा एंड ऑल्सो सब कोलैबोरेटेड ऑन दिस स्क्रिप्ट. और ये अलंकृता ने बहुत अच्छे से कहानी लिखी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है. एंड आई एम श्योर रिस्पॉन्स देख के आप कुछ आइडिया हुआ होगा. सो आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग माई ओन फिल्म. जी, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कोई ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ एंड आई नॉट कॉल हिम आउट राइटली ग्रे, लेकिन वो पार्शली ग्रे है. और मेरा जो पूरा काम है वो आना के साथ है. एंड एज यू नो कि प्राइमरीली ये फिल्म एक विमेन सेंट्रिक फिल्म है. सो ऑल ऑफ अस हैव कोलैबोरेटेड टू टेल अ गुड स्टोरी एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर माय पार्ट. क्योंकि आपने भी बताया कि इस फिल्म में कई सारे फीमेल एक्टर हैं इस फिल्म में, तो हम इसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म को फेमिनिस्ट फिल्म कह सकते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली.
ये पूरी फिल्म जो है एक एक बहुत ही इसे आप जेन्युइनली एक फैमिली फिल्म कह सकते हैं. एंड आई थिंक ये पूरी फैमिली को ही देखनी चाहिए. मेन आइडिया यही है, हमारे टारगेट भी वही हैं, जहाँ पे एक एक कम्युनिकेशन शुरू हो पाए फैमिलीज़ के बीच में, लोगों के बीच में, ख़ास तौर पे औरतों और उनकी फैमिलीज़ के बीच में, उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके बीच में. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस थिंग. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. दिस इज़ अ बिग मोमेंट डेफिनेटली. आई एम श्योर अलंकृता आज, आई डोंट थिंक वो है यहाँ पे, पर वो टोक्यो में फिल्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं. हाँ जी, हाँ जी. तो इट्स अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस. आई एम श्योर ऑल ऑफ अस आर रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस फिल्म. एंड फाइनली, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि फाइनली फिल्म रिलीज हुई है. एटलीस्ट जिनके लिए हमने बनाई है वो देख पा रहे हैं आजकल. एंड रिलीज डेट इस फिल्म की अब तक आई नहीं है, बट वी आर लुकिंग फॉर एन अर्ली रिलीज नेक्स्ट ईयर. थैंक यू सो मच. मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने फिल्म ना देखी है ना मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा है, तो मुझे देख लेने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस फिल्म को क्या कहना चाहिए. तमामी फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को पहली बार दिखाया जा रहा पूरे हिंदुस्तान में. आमतौर पर फिल्म फेस्टिवल भी नहीं आई है. हाँ, क्या कहना चाहिए, क्या फील करता है? मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में. आप ये सवाल आप प्रोड्यूसर से पूछिए.